नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज की अभी की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। श्रीलंका में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर भी लोगों की मौजूदगी है। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। रानिल विक्रम सिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसका ऐलान खुद उन्होंने ट्विटर पर कर दिया है। अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दे दी है। आपको मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले दरअसल वहां पर सर्वदलीय बैठक हुई, ऑल पार्टी मीटिंग, और उसी में ये फैसले लिए गए थे। खबर से जुड़ी हर जानकारी विश्लेषण के साथ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं, दीपक वोहरा साहब। दीपक जी, जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं श्रीलंका में, कोलंबो में, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि भारत के संदर्भ में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं आप इसे, इस डेवलपमेंट को? आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शामिल होने का। और अभी सुनूंगा बाकी जो आपके विशेषज्ञ कहते हैं, जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। आपने पूछा कि भारत के ऊपर क्या असर है या भारत के संदर्भ में मैं कैसे इसको देखता हूं। मदद कौन कर सकता है इस समय श्रीलंका की? हम लोग सब जानते हैं कि श्रीलंका को मदद की आवश्यकता है। उनके जो पुराने प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया, उन्होंने तीन देशों का नाम लिया था, बोले भारत, चीन और जापान। चीन मदद तो कर सकता है, करेगा नहीं, विलिंगनेस नहीं है, नियत खराब है। जापान की समय अपनी डिस्ट्रैक्शन है और सिर्फ हम हैं जो मदद कर सकते हैं। हमने दिखाया है तीन चीजें। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्थिरता होनी चाहिए। दूसरा इकोनॉमिक रिवाइवल होगा लोन्स एंड ग्रांट्स के थ्रू। और तीसरा चेंज इन पॉलिसी। अगले 6 महीने बहुत बहुत मुश्किल होंगे श्रीलंका के लिए। उनको फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर चाहिए, हम मदद करेंगे। सर, एक चीज इसमें मैं बता देता हूं आपको। मैं जब US में पढ़ता तो हमने सीखा था, रॉबर्ट मर्टन का एक कानून है, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप कोई काम करते हो लेकिन बाद में उसका परिणाम कुछ और होता है। और आज चाइना एक्सपोज्ड है कि बहुत ही खतरनाक दोस्त है ये। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और भारत एक वाकई ही दोस्त है। तो भारत की लीडरशिप जो है एशिया में वो अब और स्ट्रेंथन हो जाएगी। श्रीलंका भी जानता है, नेपाल भी ये देख रहा है, मॉल्डीव्स भी देख रहे हैं, जितने देश है साउथ ईस्ट एशिया तक। फिर सुलगा श्रीलंका। जी हाँ, अभी की बड़ी खबर और इसी से जुड़ी हर जानकारी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और विश्लेषण भी हम कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि आखिर ये जो घटनाक्रम है उसका भारत के लिए क्या मतलब है, भारत के संदर्भ में आखिर इसके क्या मायने मतलब हैं। दीपक वोहरा जी, ब्रेक से पहले आपसे जो बात हो रही थी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगा वो बात आप पूरी कर लें। और जरा ये भी बताइए कि इन सब के पीछे कोई चीन का दिमाग भी देखते हैं क्या आप? चीन ने श्रीलंका को बहुत सालों के लिए अब खो दिया है। श्रीलंका के लोग ये समझ गए हैं कि जब अंग्रेजी में कहावत है पुश कम्स टू शव, जब आवश्यकता की हमें जरूरत होती है तो एक ही देश है। सर, नेपाल में आपको याद है कुछ साल पहले भूकंप आया था, 15 मिनट के अंदर हमारा रिलीफ एफर्ट चालू हो गया था। उस समय वहां के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारत हमारा पड़ोसी है। आज श्रीलंकन वो कह रहे हैं। सर, आप मुझे 15 सेकंड दे, मैं एक मैसेज पढ़ना चाहता हूँ SMS में। ये एक फॉर्मर बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, हम दोनों ने नेशनल डिफेंस कॉलेज 1991 में इकट्ठे की साथ किया था, ये श्रीलंका से। इन्होंने कहा था, एम्बेसडर दीपक, एट दैट टाइम वी हैड द LTT इशू, यू टोल्ड मी देन इंडिया हैज नो मैलिस फॉर श्रीलंका, ओनली गुडविल, योर वर्ड्स रिंग इन माय इयर्स। कि उस वक्त भी आपने कहा था कि भारत आपका अनकंडीशनल दोस्त है। जो कुछ हो रहा था LTT के साथ वो अलग बात है। कहता आज मुझे आपकी बात याद आ रही है कि आप वाकई ही श्रीलंका के मित्र हैं। किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो सर, ये पूरी दुनिया आप देखेगी, हमारे जितने पड़ोसी हैं वो देखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया के लोग यही देखेंगे। और आप देखेंगे कि जो नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे श्रीलंका के, शायद उनकी सबसे पहली, अगर मैं समझता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन को, सबसे पहली ओवरसीज विजिट जो वो करेंगे वो भारत को होगी। सर, मतलब भारत का महत्व तो बढ़ने वाला है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं और ज्यादा चुका है, सारी दुनिया ये देख रही है और कोई नहीं मदद कर पा रहा। वो यूरोप के लोग तो बहुत बिजी है ना सर, वो क्या नाम है उस देश का जहां पे वो कॉमिक एक्टर वहां के राष्ट्रपति हैं, जो कभी ऐसे ऐसे अपने डोले दिखाते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी वो करते हैं, वो सब तो वहां पर फोकस्ड है। श्रीलंका के लिए इस समय
उसकी अगर वो कोई उसकी मदद कर सकता है सर, वो हम हैं, हमने की है, हमने स्थापित कर दिया, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया हम यहाँ हैं, वी आर योर फ्रेंड्स श्रीलंका। और आज सर, जो आपने आपने अभी रिपोर्ट दिखाई थी कि राष्ट्रपति के घर में, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस गए हैं, तोड़फोड़ नहीं की सर, नहीं, पुलिस ने गोलियां नहीं मारी लोगों को। टुडे आज मैं कह सकता हूं सर, आई एज एन इंडिविजुअल आई एम प्राउड टू बी अ श्रीलंकन टुडे, क्योंकि जो कुछ हुआ है हमने पीपल्स पावर देखा है, लेकिन हिंसा घर के अंदर घुस के तोड़ फोड़ नहीं देखी। मैंने ये देखी थी जब सदाम हुसैन के घर में 2006 में उसके पैलेस में लोग घुस गए थे, सब कुछ लूट के ले गए थे। मैंने ये जॉर्जिया में देखा, मैंने सूडान में देखा, लेकिन श्रीलंका में मैंने नहीं देखा सर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं उसमें राष्ट्रपति भवन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है जहां पर लूटपाट हो रही हो, लोग वहां घूम रहे, फिर रहे, सोफे पर बैठ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, शायद बहुत नजदीक से वो राष्ट्रपति भवन को देख लेना चाहते हैं, घूम फिर कर वहां पूरा मुआयना कर रहे हैं। आपने जो बातें कही दीपक जी, क्या उसका एक अर्थ मैं निकालूं कि इस घटनाक्रम के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद चीन की दखलअंदाजी श्रीलंका में कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, वो चीन को अंदर घुसने नहीं देंगे सर। आप ये टोटा टोटा पोर्ट की बात करते हैं और जो एयरपोर्ट बना दिया जहां पे कभी कोई जहाज नहीं उतरता एटसेट्रा एटसेट्रा, हम लोग बात करते हैं कि श्रीलंका एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। मेरा ये मानना है कि चाइना क्रेडिट ट्रैप में फंस गया है। अगर श्रीलंका कहता है मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, मैं कहीं और से लूंगा, क्या कर लेगा चीन सर? हम लोग ऐसे ही एक हवा बना रखा है। चीन बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज्ड है, क्योंकि ये सारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का किया था, जैसे उनका एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया, ये भी चाइना का सजेशन था, वो एडवाइजर। फिर जब उनको वैक्सीन चाहिए थी, वो चीन ने पता नहीं कौन सी गलत वैक्सीन भेज दी थी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भेजे, वो कंटेमिनेटेड थे, लेकिन फिर भी पैसे वसूल किए। ये श्रीलंका के लोगों को मालूम है सर। मेरे कुछ मित्र, क्षमा कीजिए सर, मैंने आपकी उंगली देख रहा, बस दो सेकंड और दे दीजिए, मेरे कुछ मित्र है उस देश में भी, जहां पे एक क्रिकेट खिलाड़ी कहते हैं कि मैं यहाँ का प्रधानमंत्री था, उसको निकाल दिया गया है। उन लोगों ने मुझे मैसेज भेजे हैं, उन लोगों ने बताया है, इंडिया वी आर प्राउड ऑफ यू। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है दीपक जी? भारत की छवि, आपसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है, काफी नई नई जानकारी आप देते हैं। फिर सुलगा श्रीलंका, जी हां, वहां पर सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, राष्ट्रपति भवन के अंदर भी लोग दाखिल हो गए हैं, वो तमाम तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, विश्लेषण भी एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, और अंकित के बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हाल ही में श्रीलंका वो गए थे और वहां पर लोगों से भी उन्होंने बातचीत की थी इन समस्याओं पर। सवाल मेरा अंकित आपसे यह है कि राष्ट्रपति भवन से गोटाबाय राजपक्षे तो गए, जनता मान जाएगी? जी अभी इतनी आसानी से मानती नहीं दिख रही, लेकिन मैं जो दीपक वोरा जी की बात है ना उसको आगे बढ़ाऊंगा, और जो आपने सवाल पूछा था वो भी क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए भारत ने जिस तरीके से रोल निभाया है, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं श्रीलंका में था वहां यही हालात थे, लोग घंटों घंटों तक जो है पेट्रोल पंप पे खड़े थे, महंगाई चरम पे थी, यहां तक कि जो आलू प्याज ऐसी चीजें हैं जिनके दाम जो है 500 700 और 900 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। तो ऐसे माहौल में जब मैंने लोगों से बात की थी उनका ये कहना था, देखिए भारत यहां पर बिग ब्रदर, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर शब्द का इस्तेमाल किया, बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ऐसे हालातों में भी जब भारत की इतनी बड़ी आबादी है और कोरोना से अभी निकल रहा है देश, उसके बावजूद श्रीलंका की मदद कर रहा है, ये वहां के लगभग तमाम लोग मान रहे थे, वो लोग जो कि प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज चीन को लेकर के, चीन जो है जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है ना गालफेस, उसी के ठीक सामने वो पोर्ट बना रहा है, जिसको लेकर के भारी आक्रोश है लोगों में, क्योंकि जो चीन ने जिस तरीके से लोन दिया है श्रीलंका के ऊपर, लोन लादा है और अब उसका इंटरेस्ट वसूल रहा है, और उसी के चलते इस तरीके के हालात बने हैं। लोगों की नाराजगी क्यों है? चीन को लेकर के नाराजगी तो है कि चीन ने जो एक साजिशन इस तरीके का माहौल बनाया, लेकिन राजपक्षे परिवार को लेकर नाराजगी क्यों है? राजपक्षे जिसमें गोटाबाय राजपक्षे भी हैं और उसके अलावा महेंद्र राजपक्षे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको लेकर के नाराजगी इस चीज को लेकर के है कि देखिए चीन से पैसा आया, इन लोगों ने यहां पर जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए था वो भी नहीं किया, वो अपने अपने खातों में भर लिया, ये लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है राजपक्षे परिवार के ऊपर, और इसी वजह से नाराजगी है। और आज ये जो अंदर ये भी एक वजह है जो आप बता रहे हैं, इसके अलावा भी तमाम वजह हैं, और हालात श्रीलंका में जो हैं वो देख ही रहे हैं हम, सड़क पर लोग हैं, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में हालात यहां बेहतर होंगे। तो श्रीलंका की लड़ाई राष्ट्रपति भवन तक आई, जी हां अभी वही तस्वीर नजर आ रही है, बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर भी घुस गए हैं, और उसकी तस्वीरें कुछ अलग अलग जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक ऐसी तस्वीर जिसमें लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर किसी बेडरूम में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये वहां के लोग नहीं है, ना स्टाफ है, ना राष्ट्रपति के कोई रिश्तेदार है, बल्कि ये
आम लोग हैं जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जब घुसे तो वहां बेड पर यूं जाकर बैठ गए। कुछ लोग स्विमिंग पूल के अंदर भी नहाते दिखे, कुछ लोग अंदर चहलकर भी करते हुए दिखे, फोटो क्लिक करवाते हुए दिखे। ये देखिए वहां किचन का दृश्य जहां पर प्रदर्शनकारी खाना खाते हुए भी नजर आए, यानी राष्ट्रपति भवन में ये तमाम प्रदर्शनकारी घूम घूम कर फोटो भी क्लिक करवा रहे हैं और जहां जो चीज उन्हें मिल रही है खाने पीने की वो भी खा ले रहे हैं। ये आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन में किचन का दृश्य है और उसके बाद स्विमिंग पूल का दृश्य भी देखिए। स्विमिंग पूल में लुत्फ उठाते हुए लोग, दीपक वोरा जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? क्या कहूं सर, ये तो एक पिकनिक का एटमॉस्फेयर लग रहा है, मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंसा किसी प्रकार की नहीं हो रही है। आपके संवाददाता ने जो कहा बिल्कुल सही, 120% उन्होंने सही कहा है। श्रीलंका के लोग अब समझ गए हैं कि उनका मित्र कौन है। और ये जो सर एक चीज, एक लेसन इसमें जितने भी तानाशाह हैं उनके लिए है, एक दिन तो आप हीरो होते हैं, अगले दिन आप जीरो बन जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं एड्यूलेशन और कंडमनेशन, ये दो जो साइड्स हैं एक कॉइन के, और वो कॉइन को बदलने में समय नहीं लगता है। तो ये जो गोटा टोटा साहब थे, उम्मीद करता हूँ उनको समझ आ गया। और बाकी जो तानाशाह हैं हमारे एरिया के, उनको भी खासतौर से वो जो चीन का पिंग पोंग है उसको भी ये समझ लेना चाहिए कि जब पेट खाली है। सर एक मिनट और देंगे, आपकी उम्र बहुत मुझसे बहुत छोटी है, मैं 71 साल का हूँ। अरब स्प्रिंग आपको याद होगा 11 साल पहले टूनिसिया में शुरुआत हुई, एक के बाद फिर इजिप्ट गया, अल्जीरिया गया, यमन गया, सऊदी अरेबिया गया, मोरक्को गया, यहाँ वहाँ सारी रेजिम्स को उन्होंने वहाँ से हटा दिया था, कुछ बची थी। तो अरब स्प्रिंग में जब हुआ था, जब बसंत ऋतु आई थी अरब में 2011 के बाद, उस समय लोग जो बात कहते थे से वो बहुत मजेदार थी। वो अरबिक में एक चीज कहते थे कि द पीपल विल गेट रिड ऑफ द रेजिम, यानी जो लोग हैं वो सरकार को हटा देंगे, अब नहीं चाहते। तो ये पीपल्स पावर की पहली चीज देखी थी। और अब मुझे लगता है कि श्रीलंका की बसंत ऋतु आ गई है आज, और एशिया की अब आने वाली है। उस समय अरब देशों में कहा था, मैं आपको अरबी में बता देता हूँ, अशाब यूरिदिस्का तन निजाम, कि लोग अब उठ गए हैं, श्रीलंका की जनता जाग गई है। सर नहीं, लोग तो उठ गए हैं, बहुत अच्छी बात है दीपक जी, लेकिन ये लोग जब तक सरकार नहीं बनाएंगे तरीके से, जब तक वहां सरकार का कोई चेहरा नहीं होगा, कामकाज नहीं हो पाएगा। तो वो आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में, वो कैसे हो पाएगा, उसकी क्या तस्वीर हो सकती है, क्या प्रारूप हो सकता है? ये मैंने बहुत से देशों में देखा है, अपने एक्सपीरियंस में, मैंने सोमालिया में भी देखा है, लोग ने कहा वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है देश, लेकिन अभी तक है, ज्योग्राफिकल एंटिटी है, वहां के लोग हैं, कुछ काम करते हैं, धंधा करते हैं। सर एनार्की के थ्रू से ऑर्डर आता है, कोई ना कोई निकलेगी, नई सरकार बनने वाली है जैसा आप कह रहे हैं, लोग कुछ हद तक शांत हो जाएंगे और उसके बाद आगे चल के मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। श्रीलंका तो पहले भी ऐसी स्थितियों से गुजरा है, जब सिविल वॉर हो रही थी, या जो वो JVB का डेमोन्स्ट्रेशन, वो वायलेंस हो रही थी 70s में, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमने तब भी उनकी मदद की थी, आज भी हम करेंगे। दो चीजें हैं अरब स्प्रिंग जो हुआ था, दो चीजें, एक भ्रष्टाचार और दूसरा आर्थिक कोलैप्स, श्रीलंका में भी बिल्कुल वही है। आप देख रहे हैं पैलेस में भोजन कितना सारा पड़ा है जब लोगों के पेट खाली हैं। और आप सही कह रहे हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा, चूंकि लोग सड़कों पर हैं। दीपक वोहरा जी हमें बहुत अहम जानकारियां दे रहे थे, सीधे उन्हीं के पास एक बार फिर से चलते हैं। और दीपक जी, आपके मुताबिक अब क्या नजर आ रहा है, आपको कैसे अगली सरकार बनेगी? सरकार तो बनेगी, ये तो हो नहीं सकता कि पॉलिटिकल वैक्यूम हो, पावर वैक्यूम किसी देश में नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि आर्मी ने टेक ओवर नहीं किया। पिछले साल ही चार अफ्रीकन देशों में, चारों में मैं काम करता हूँ, विशेष सलाहकार हूँ कुछ देशों में वहाँ की सरकार का, माली में देखा है, सूडान में देखा है, गिनी में देखा है आपने किस तरह से वहाँ की आर्मी ने टेक ओवर किया। श्रीलंका में ये नहीं होगा सर, वहाँ श्रीलंका की ये परंपरा नहीं है। एक सरकार बनेगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, और ये जो पीड़ा है, जो दर्द है, ये और 6 महीने चलेगा मेरे अनुमान के मुताबिक। मैं एक डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हूँ, मैंने फिगर्स देखे हैं, 6 महीने के बाद फिर हल्के हल्के रिकवरी शुरू होगी। और श्रीलंका के लोग जिन्होंने अब ये टेस्ट किया है कि हमारी शक्ति से हम सरकार को हटा सकते हैं, सर वो अब सैक्रिफाइस करने को तैयार होंगे। फाइनली एक मुझे अभी पता नहीं ये खबर सही है कि नहीं, लेकिन अगर आपको पता लगे तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए, चीन का दूतावास है
और उनका मेरा ख्याल राजदूत का निवास भी वहां पर है, तो आधे किलोमीटर के रेडियस में वो किसी को जाने नहीं दे रहे, इतनी सुरक्षा उनको दे रहे हैं कि कई लोग उनके घर में भी घुस के टेक ओवर ना कर ले। ये मुझे खबर भेजी है किसी ने श्रीलंका से, पता नहीं ये सही है कि नहीं, कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें अब सामने आ रही है। सरकार बनेगी, भविष्य है श्रीलंका, श्रीलंका गायब नहीं हो जाएगा सर, रहेगा। अब देखिए किस तरह से लोग मुस्कुरा रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उन्होंने ताकत अपनी आजमा ली है, अब आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉलिटिकल चेंज, अब इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, वो यही लोग करेंगे हमारी मदद के साथ। जी अंकित, आप भी वहां गए थे, लोगों से जब आपने बातचीत की, क्या आपको भी ये चीज वहां दिख रही थी कि श्रीलंका के लोगों में चीन को लेकर बड़ी नाराजगी है? निश्चित तौर पर राकेश, इस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि जहां पर ये प्रोटेस्ट साइट है वो राष्ट्रपति भवन से करीबन 300-400 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जो जो चीन अपना पोर्ट बना रहा है वहां पर उससे जो है एक मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है, और लोगों को सामने वो दिख रहा था। और जब मैंने लोगों से वहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट साइट बनाई हुई है, जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, तो उन्होंने उंगली दिखा के इशारा करके कहा ये, यानी कि जो चीन का डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि चीन ने तो अपनी तरफ से डेवलपमेंट के नाम पर जो है श्रीलंका को पैसा भेजा और उसका जो है खामियाजा ये उठाना पड़ा श्रीलंका में कि अब उसका जो जो बेपनाह जो ब्याज है वो चीन वसूल रहा है, और वो पैसा जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना था कि सरकार ने इस्तेमाल ही नहीं किया उस तरह से डेवलपमेंट के लिए, तो चीन को लेकर के भयानक नाराजगी है। और भारत को लेकर के वो लगातार ये मान रहे हैं कि भारत का रुख हमेशा ही बड़े भाई का रहा है, और एक बार फिर से भारत की तरफ ही वो उम्मीद जगाए बैठे हैं। यहां तक कि हालत ये थी, जब मैं अगर अपना एक अनुभव बयां करूं, कि वहां पर लोग दो दो तीन तीन दिन तक पेट्रोल पंप पर लाइन लगा करके खड़े होते हैं, और जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था देखिए भारत ने हमको ऐसे माहौल में भी डीजल भेजा जबकि कोरोना से निकल रहा है अभी दुनिया भर के तमाम देश, तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर वो भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जैनेन्द्र भी जुड़े हुए थे, धन्यवाद जैनेन्द्र आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, और दीपक वोरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अहम जानकारियां, दिलचस्प जानकारियां दर्शकों तक आपने पहुंचाई हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात हर घंटे बिगड़ते जा रहे हैं। हालत यह हो गई है कि देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपना घर छोड़कर भाग गए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को जबरन इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रीलंका कंगाल हो गया, उसके पास विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं, ऐसे में जनता के पास ना पेट्रोल है ना डीजल है, और तो और अब खाने तक के लाले पड़ गए। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आप देखिए एबीपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की हैं। कोलंबो में आम जनता के सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट गया है। हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी बंगले में घुस गए। प्रदर्शनकारी गोटा गो होम के नारे लगा रहे थे। लोगों के गुस्से को देखते हुए राष्ट्रपति राजपक्षे को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल वो कहाँ है इस बारे में कोई किसी के पास पुष्ट जानकारी नहीं है। कोलंबो में फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना तैनात की गई है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवा में गोलियां भी चलाई। श्रीलंका से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में कई लोग घायल भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जो वीडियो फुटेज सामने आई है उनमें प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में लगी कुर्सियों पर बैठे और स्विमिंग पूल में नहाते दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका में लोगों का ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा है, ये एक दिन का गुस्सा नहीं है। इस गुस्से के बीच पिछले कई साल से बोए जा रहे थे। जानकारों के मुताबिक श्रीलंका की जनता ने जिन राजपक्षे भाइयों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था उनकी वजह से ही देश आज इस हालत में पहुंचा है। वो देश की जनता की इच्छाओं को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। अब जब हालात बद से बदतर हो गए हैं तो जनता को सड़क पर आना पड़ा है। श्रीलंका में बढ़ती कीमतों और जरूरी सामान की कमी के विरोध में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए देश के कई हिस्सों से लोग कोलंबो पहुंचे हुए हैं। इनमें श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी शामिल हैं। वो भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि भारी आर्थिक संकट के बीच भी श्रीलंका में क्रिकेट मैच नहीं रुके हैं।
इस वक्त गोल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रहा है। प्रदर्शनकारी स्टेडियम के बाहर भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने मैच में कोई दखल अंदाजी नहीं की। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने श्रीलंका की जमीनी हकीकत को समझने के लिए कुछ दिन पहले श्रीलंका का दौरा किया था। महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी की आग में जल रहे श्रीलंका के हालात को उन्होंने बड़े करीब से देखा। 2.25 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में पाई पाई को मोहताज हो गए हैं लोग। हर जगह लंबी लंबी लाइनें, खाने की कमी, पेट्रोल की कमी। ऐसे हालात में यहाँ का आम आदमी पूरी तरह निराश हो चुका है। उसे ये नहीं पता कि अगला दिन कैसे गुजरेगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना रौद्र रूप ले चुका है कि कल्पना करना मुश्किल है। अंकित को श्रीलंका पहुंचते ही सबसे पहले आने जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा की जरूरत महसूस हुई। खोजते खोजते उन्हें मिले राजधानी कोलंबो में ऑटो चलाने वाले चमिंडा। चमिंडा पिछले 10-15 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। इन्होंने बताया कि पेट्रोल मिलना अब इतना दूभर हो गया है कि अगले कुछ दिनों में इनके घर पर बैठने की नौबत आ जाएगी। ऑटो चलाना बंद करना पड़ेगा, ऐसे में परिवार को पाले तो कैसे पाले। चमिंडा भी हमारे साथ में है, जो कुछ दूरी से अपने ऑटो को धक्का देकर के ला रहे हैं। क्या वो पेट्रोल खत्म? 5 दिन हो गया, पेट्रोल नहीं है, बहुत मुश्किल है। गाड़ी नहीं चलाते हो, कैसे खर्चा? घर में बैठेगा, क्या करेगा, कोई काना दिएगा। खाने पीना फिर कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल चलता है। कितना मुश्किल है, एक ब्रेड पकड़ने के लिए मुश्किल है। ये सही बात है, ये वो कोई देखने के लिए नहीं है। श्रीलंका में ना खाना पीना है, ना दवा है और ना ही मिल रहा है पेट्रोल डीजल। महंगाई की मार इस वक्त चारों तरफ लगातार पड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और उसका सीधा असर पड़ रहा है आम जनता पर। और इसी वजह से आम जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज है, सड़कों पर उतर चुकी है, लगातार प्रदर्शन तक हो रहे हैं। आम जनता का यही कहना है कि आटा दाल मिल नहीं रहा, खाना पीना मिल नहीं रहा, दूध सब्जी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो उसका कई गुना कीमत पर। तो आखिर ऐसे में कैसे दिन गुजार सकते हैं, कैसे परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, और इसी को लेकर के लगातार नाराजगी है। मैंने खुद श्रीलंका की बाजारों में जाकर के देखा है कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं और ये हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर ये तस्वीरें इसी तरीके से बिगड़ती रहीं तो आने वाले दिनों में क्या हश्र होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। कोलंबो में सब्जी की दुकान चलाने वाले सिरा के लिए बड़ी संकट की स्थिति है। सिरा का कहना है कि सब्जियां ऐसी चीज हैं जिसके बिना लोगों का गुजारा मुश्किल है। खाने पीने की चीजों में इंसान आखिर कैसे कटौती करेगा, फिर भी लोग मजबूर हैं। पहले लोग जहां 1 किलो सब्जी लेते थे, वहां अब बेतहाशा महंगाई की वजह से 0.5 किलो से ही काम चला रहे हैं। ये कीमतें क्यों बढ़ी हुई है? क्यों बोले तो जी, ये सब इकोनॉमिक क्रशेस। कोई पहले 1 किलो लेता था तो अभी वो कितना लेता है? अभी तो 500 ग्राम 200 300 ग्राम लेता है। जो पहले 1 किलो लेता था, 1 किलो था, अभी कम थी लेता है। हाफ 500 ग्राम लेता है। पहले 1 किलो आदमी लेने का आदमी अभी 500 ग्राम लेता है। सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है? जो आप लोगों के पास सप्लाई आ रही है? सप्लाई तो बहुत कम थी आ रहा है, बहुत एक्सपेंसिव बोलता है जी। सिरा के मुताबिक अप्रैल में आलू 250 रुपए किलो बिकता था, जो अब 340 रुपए हो गया है। टमाटर पहले 280 रुपए किलो था, जो अब 850 रुपए किलो हो गया है। गाजर पहले 220 रुपए थी, जो अब 440 रुपए में मिल रही है। गोभी पहले 650 रुपए किलो थी, जो अब 850 रुपए हो गई है। बैंगन 180 की जगह 480 रुपए किलो बिकने लगा है। शिमला मिर्च भी 650 रुपए से 850 रुपए हो गई है। ऐसा हाल हर सब्जी का है। श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की महंगाई की सबसे बड़ी वजह है डीजल का महंगा होना। कोलंबो में फल की दुकान चलाने वाले चंदना का कहना है कि सब्जियां तो खरीदना लोगों की मजबूरी है, लेकिन फल में लोग कटौती करने को तैयार हैं। लगभग सभी फलों की कीमत 3 गुना बढ़ गई है। चंदना, what's the price of these fruits if we compare it with last month? Is it really high? It's double price, yeah. Double price. Okay, let's start with mango. Was before kilo 350 400, now it's kilo 800 700 there. गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में महंगाई की दर आसमान में पहुंच गई है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से जो महंगाई दर मार्च में 19% थी, वो जून में बढ़कर करीब 55% पर पहुंच गई है।
पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से आशंका है कि ये महंगाई और बढ़ने वाली है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग के चलते लोगों को यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस कतार में लगने के बावजूद भी लोगों को नहीं पता कि उन्हें पेट्रोल और डीजल मिलेगा या नहीं। इस वक्त जो कीमत है वो 373 रुपए प्रति लीटर और 300 अगर इसका जो है प्रीमियम वाला लेते हैं 373 अदरवाइज 338 रुपए प्रति लीटर की ये दर है। पेट्रोल और डीजल पाने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, कई किलोमीटर लंबी कतारें हैं, लेकिन सबकी कोशिश ये है कि जितना भी इंतज़ार हो एक बार जब पहुंचो तो जितना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल मिल सकता हो वो भरवा लिया जाए, क्योंकि पता नहीं अगले दिन या आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि इस वक्त श्रीलंका के जो आर्थिक हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्रीलंका में पहले एक लीटर पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी जो अब बढ़कर 460 रुपये हो गई है। आशंका है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत और बढ़ेगी। अगले साल श्रीलंका अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मनाएगा, लेकिन इन 75 सालों के दौरान कभी भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई, लेकिन पिछले 10 सालों में श्रीलंका की सरकार के आर्थिक फैसलों ने यहाँ की आर्थिक स्थिति का और ज़्यादा बंटा धार करके रख दिया, और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है वो माना जा रहा है राजपक्षे परिवार को और राजपक्षे परिवार से जुड़े दोनों भाइयों को। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री रहे उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे देश के सबसे बड़े हीरो माने जाते थे। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने श्रीलंका में तमिल और सिन्हलीज लोगों के बीच 30 साल चले गृह युद्ध को खत्म किया था, लेकिन जब बात सरकार चलाने की आई तो इनकी आर्थिक नीतियों ने देश का कबाड़ा कर दिया। इनके राज में श्रीलंकाई सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए चीन के अलावा कई देशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली। इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया जिसने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देने की वजह से खाने पीने की चीजों का उत्पादन कम हो गया और महंगाई बढ़ गई। 2020 के बाद से कोविड-19 महामारी से पर्यटन पर असर पड़ा, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया और सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा। इसके चलते रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को लगभग डिफॉल्ट स्तर पर डाउनग्रेड कर दिया, जिसका मतलब कि देश ने विदेशी बाजारों तक पहुंच खो दी। सरकारी कर्ज का भुगतान करने के लिए फिर श्रीलंका को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का रुख करना पड़ा, जिसके चलते इस साल भंडार घटकर करीब 2 अरब डॉलर हो गया, जो 2018 में 7 अरब डॉलर था। विदेशी मुद्रा की कमाई से ईंधन और अन्य जरूरी चीजों के आयात पर असर पड़ा और कीमतें बढ़ गई। बढ़ते बजट घाटे के बीच श्रीलंका ने कम ब्याज दर बनाए रखने की कोशिश में ढेर सारी मुद्रा छापी, जिससे महंगाई और बढ़ गई। पेट्रोल पंप पर पहुंचे मिस्टर श्रीलाल उन लोगों में हैं जिन्हें राजपक्षे भाइयों की शक्ल फूटी आंख भी नहीं सुहा रही है। हालत ये है कि अब ये और इनकी बेटी राजपक्षे भाइयों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। What do you think? Whom to blame for this situation? Rajapakses. They ruined this country. Ultimately, people are suffering. Citizens are suffering. Suffering and my daughter goes to the protest at Goldface every day with my granddaughter, who is only 15, and my grandson is 7, and they work there. Sri Lanka ki arthvyavastha mein paryatan ka bahut bada yogdan raha hai. Kareeb 30 saal tak chale grih yuddh ke dauran bhi Sri Lanka mein paryatan par zyada prabhav nahi pada tha. Lekin pichle 2 saalon ke dauran duniya bhar mein phaile corona ne Sri Lanka mein paryatan ki sthiti ko tehas nehas karke rakh diya. और उसके बाद अब मौजूदा आर्थिक हालात ने तो इसकी कमर ही तोड़ दी है। कोलंबो में टूरिस्ट गाइड और ड्राइवर का काम करने वाले भारतीय मूल के मनोज कुमार ने श्रीलंका में ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी है। अंकित गुप्ता को अपनी गाड़ी में सैर कराते वक्त इन्होंने बताया कि अब सैलानी यहां आ नहीं रहे, उसके चलते अब परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है।
हम डायरेक्टली मनोज से बात करते हैं सीधे तौर पर कि आखिर इनके ऊपर क्या असर पड़ा है. मनोज, एज यू नो दैट इकोनॉमिक क्राइसिस इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, सो डज दिस अफेक्टिंग यू ऑल्सो? यस, इट्स वेरी हार्डली अफेक्टिंग एंड यू नो द लाइक बिफोर दिस इंसिडेंट सो वी आर वर्क विद द टूरिस्ट सो वी अर्न द लॉट ऑफ मनी विद देम बट नाउ ऑलमोस्ट लाइक टू मंथ्स सो इट्स यू नो द लाइक वी आउट ऑफ मनी नाउ. इस वक्त हम मौजूद हैं ये वो जगह है जो कि जिसको निगामो के तौर पर जानते हैं, एक बीच साइड है और यहाँ पर अमूमन बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं जब टूरिस्ट सीजन होता है और ये भी एक टूरिस्ट सीजन चल रहा है. लेकिन इस दौरान हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं. इस वक्त खाली पड़ा हुआ है पूरा निगामबो बीच. श्रीलंका में हालात संभाले नहीं संभल रहे. आर्थिक हालातों को संभालने के लिए श्रीलंका सरकार ने भारत और चीन से मदद भी मांगी है और उसी के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर है. हालांकि खराब आर्थिक हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने भी श्रीलंका की मदद की है और कर्ज भी दिया है. लेकिन भारत सरकार भी ऐसा लंबे समय तक नहीं कर सकती. अगर जल्द ही यहाँ के हालात नहीं सुधरे तो फिर भारत सरकार के लिए भी लगातार मदद करना मुश्किल हो जाएगा. वहीं बात की जाए चीन की, तो चीन के पहले से ही कर्जा में डूबा हुआ है श्रीलंका और अगर और कर्ज लेता है तो इससे तो श्रीलंका की मुसीबत आने वाले दिनों में और ज्यादा ही बढ़ेगी. श्रीलंका पर इस वक्त 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चढ़ा हुआ है. कर्ज ना चुका पाने की वजह से उसने खुद को दिवालिया घोषित कर रखा है. IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के बाद कर्ज देने वाले देशों में चीन सबसे आगे था. श्रीलंका ने चीन से बंदरगाह, हाईवे जैसी चीजें बनाने के लिए 2010 से 2015 के बीच 5 अरब डॉलर का कर्ज लिया था. फिलहाल श्रीलंका ने पैसे जुटाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 3 बिलियन डॉलर की मदद मांगी है. श्रीलंकाई सरकार का कहना है कि उन्हें इस साल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कुल 5 बिलियन डॉलर की मदद चाहिए. अब देखना है कि आने वाले दिनों में श्रीलंका में हालात सुधरते हैं या और बिगड़ते हैं. और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि PM के इस्तीफे के बाद उनके घर के बाहर इस वक्त भारी भीड़ जमा है. अभी जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है, श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है. लेकिन अभी अभी ताजा जानकारी ये कि PM के घर के बाहर यानी रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर भीड़ पहुंच गई है. ये भीड़ श्रीलंका में कोलंबो में सड़क पर हर तरफ नजर आ रही है. राष्ट्रपति भवन के अंदर भी लोग मौजूद हैं. और अभी ताजा जानकारी ये, श्रीलंका से बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी भीड़ है. इस्तीफे के बाद PM के घर के बाहर भीड़ पहुंच गई है. शाम 7 बजे हालांकि विक्रम सिंघे ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था. अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ये बातें लिखी थी कि जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद ये निर्णय लिया गया है और मैं इस्तीफा अपने पद से दे रहा हूं ताकि नई सरकार का गठन हो सके. और अभी अभी ताजा जानकारी ये कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर लोगों की भीड़ नजर आ रही है. देखिए ये तस्वीरें, तो श्रीलंका में बिल्कुल अराजकता का माहौल सड़क पर. हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर. अंकित, ये भीड़ अब प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी पहुंच गई. जी बिल्कुल, ये कुछ उसी तरीके की तस्वीर है जो अब से करीबन 2 महीने पहले भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी. लेकिन उस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो थे महिंद राजापक्षे, यानी कि गोटा राजापक्षे के भाई, और वो प्रधानमंत्री थे. उनको अपना घर छोड़कर भी जाना पड़ा था क्योंकि वहां पर जो भीड़ थी, बेकाबू भीड़ थी, उसने उनके दफ्तर पर जो है तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी. और आज भी कुछ उसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि जो रणवीर विक्रमसिंघे हैं उनके लिए जैसे उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, कहा यह गया, जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से कहा यह गया कि ये तो गोटा राजपक्षे या जो राजपक्षे परिवार के करीबी हैं और अगर ये रहते हैं या महेंद्र राजपक्षे रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यानी कि जिस दिन से रणिल विक्रमसिंघे ने शपथ ली थी उसी दिन से उनको लेकर के नाराजगी थी. तो ऐसे में रणिल विक्रमसिंघे ने तो अब जो है इस्तीफा दे दिया है, लेकिन गोटा राजपक्षे को लेकर के अभी भी नाराजगी है और अभी भी आधिकारिक तौर पर उनके इस्तीफे की खबर सामने नहीं आ रही है. और इस वजह से जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर है और यकीन मानिए जो उनकी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनके घरों का भी घेराव होगा. क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जब रणिल विक्रमसिंघे और महेंद्र राजपक्षे जिस दौरान प्रधानमंत्री थे वो जो वहां से अपना प्रधानमंत्री आवास छोड़कर के भागे थे, जो कई जो सांसद, कई मंत्री, उनके घरों का घेराव किया गया था, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी. आज एक बार फिर से श्रीलंका में कोलंबो में खासतौर पर अगर हम बात करें तो इसी तरीके की तस्वीरें फिर से देखने को मिल रही है जैसे कि अब से करीबन 2 महीने पहले. लेकिन उस दौरान बस फर्क यह था कि राष्ट्रपति भवन तक ये प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज राष्ट्रपति भवन में भी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास के बाहर
बाहर भी पहुंच चुके हैं जी। और राष्ट्रपति को लेकर कोई जानकारी अंकित मिल पा रही है क्या? चूंकि पता ये चला कि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन से फरार तो चले गए थे। और इस वक्त हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब कोलंबो से जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल रहमान साहब आपका। अभी ताजा जानकारी क्या मिल रही है कोलंबो से, कुछ अगर विशेष जानकारी आप दे पाए इस बारे में, क्या हालात हैं? Hi, I would prefer speaking in English because I don't understand. Yeah, yeah, it's all right, sir. All right. What is the current situation there in the Colombo? Yeah, the situation has got tense now as protesters have tried to enter the Prime Minister's office and his residence in Colombo, and the police has started shooting out tear gases and firing out water guns on protesters, trying to dissolve them from the site. But people, you could notice people are still marching towards their goal in sending out the corrupt government home, and they are determined to do that. And the Prime Minister has already agreed to step down, and only by words, but he has not made it in action. Mm-hmm. So the people are still urged, and they are determined to step the prime minister to step down and to leave the government immediately, so that they could form an interim government for a better Sri Lanka. Okay, protesters are still there inside President House, sir? Yeah, protesters are still in the President's house, and they have also taken down the Prime Minister's house a couple of minutes back, and they are also in the Prime Minister's house at the moment while we speak. So when the protesters tried to take down the Prime Minister's official and the personal residence, there had been a clash between the officials and the protesters when they tried to enter the Prime Minister's private residence in Colombo 7. Okay, thanks for talking to us, Abdul Rahman Sahab. So you were listening to the senior journalist Abdul Rahman Sahab, who was connected with us from Colombo, and his saying was that जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं, अभी भी वहां पर डटे हुए हैं, और जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है वहां भी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच गई है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, कानून व्यवस्था को लेकर भी अब वहां पर दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये जो भीड़ है इसका कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, लोग बड़ी संख्या में हुजूम एक तरीके से आप कह सकते हैं इधर उधर सड़कों पर घूमता हुआ, प्रदर्शन करता हुआ, हाथ में उनके श्रीलंका का झंडा है। और चूंकि बहुत ज्यादा विरोध नहीं हो रहा है, पुलिस की तरफ भी सख्ती नहीं की जा रही है, तो ये हर जगह पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। सवाल ये कि ये जो बवाल हो रहा है ये थमेगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल। वो बहुत दूर है, आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है, कम हियर। क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।